Hello, good morning students. Welcome to statistics class. In this video, we will study first chapter of statistics, which is a collection of data. I am going to cover two topics in this video. First is origin and growth of statistics in India, and second one is definition of statistics. The German word Statistik was first used by Gottfried Eichenwald in 1749 for analysis of data about the state. The first of kisne ye word use kiya tha? Dekho, Statistik. Abhi jo hai statistics hai. But first jo word, German word jo first use hua tha, kisne kiya tha? To Gottfried Eichenwald. Year 1749. तो डेटा को एनालाइज करने के लिए उसने ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था. By 18th century, the term statistics was used for systematic collection of data by states. अब जब 18th century स्टार्ट हुआ तब स्टैटिस्टिक्स वर्ड को यूज किया गया. किस चीज के लिए? तो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा. इट मीन्स कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो किस वे से कर रहे हो. मतलब हम ऐसे ही कलेक्ट कर रहे हैं या कोई एक सिस्टम को यूज कर रहे हैं? तो आप क्या करोगे स्टैटिस्टिक्स में? एक सिस्टम, एक मेथड को यूज करके कलेक्शन करोगे डेटा को. द फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी वॉज फाउंड इन 1834 इन लंडन. लास्ट एक क्वेश्चन था कि स्टैटिस्टिक वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? तो गॉटफ्रीड एचेनवाल्ड इन ईयर 1749. अब यहाँ पे क्वेश्चन है रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी वो कब फाउंड हुआ था? तो 1834. कहाँ पे? इन लंदन. ये दो क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और वन मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स में. द एडवांस्ड फील्ड of statistics was developed in the late 19th and early 20th century. Galton and Carl Pearson used mathematical statistics in science, industry and politics. अब statistics को developed किया गया कब? तो 19th के end में and 20th के starting में. किसने किया? तो Galton and Carl Pearson ने. उन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक को कहां पे लेके गए? तो साइंस में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, इस जगह उन्होंने स्टार्ट कर दिया यूज्ड करना. कार्ल पियर्सन वाज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. जो कार्ल पियर्सन थे उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था? तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. ही फाउंडेड द एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी इन इंग्लैंड एंड in 1911. The world's first university statistics department at University College, London. So, statistical laboratory first kahan pe found out hui thi? To in England. Kab? 1911 mein. Ye jo tha, thoda bahut knowledge related to origin of statistics. Now, ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर कैसे उसका ग्रोथ हुआ? तो द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इट मीन्स ISI वॉज फाउंडेड बाय द वेल नोन इंडियन स्टैटिस्टिकल PC मालनबीस इन 1931 एट कोलकाता. सो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कब फाइंड आउट हुआ था? तो 1931 में. कहां पे? कोलकाता. एंड किसने फाइंड आउट किया? पीसी माल नॉबिस ने. और अब यहां पे देखो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इट मीन्स कि यहां पे ISI. सो आपको फुल फॉर्म में ये आ सकता है, ये आपको नोट डाउन करना है. ही स्टार्टेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स एट कोलकाता यूनिवर्सिटी इन 1941. ये जो पी सी मालनोबिस थे
उन्होंने फर्स्ट ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्ट किया स्टैटिस्टिक्स का, कहां पे? कोलकाता यूनिवर्सिटी में इन 1941 में. इंडिया में स्टैटिस्टिक्स डेटा वो मेंटेन करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, क्या था नाम? ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे जो भी सर्वे होते हैं या किए जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन काउंटिंग है, डेथ रेट, बर्थ रेट है, सेंसस है, ये सब काम कौन करता है? तो ISI इंस्टीट्यूट करती है. इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट मीन्स ISRI, इज अनदर इंस्टीट्यूट विच कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया. ये हमारी दूसरी इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसका फुल फॉर्म भी आपको लर्न करना है, ISRI, इट मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट. अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा बेस है कॉमर्स का. किसी भी फील्ड में जाओगे, मतलब किसी भी सेक्शन में जाओगे ना कॉमर्स के, आपको स्टैटिस्टिक पढ़ना ही पड़ेगा. कॉमर्स है, 11th 12th है जैसे स्कूल में, उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पे भी आपका स्टैटिस्टिक आएगा ही. जैसे कि बीकॉम किया, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, वहां पर हर एक जगह पे स्टैटिस्टिक को एक सब्जेक्ट को आपको फेस करना ही पड़ेगा. सो इसलिए आज हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक का बेस क्लियर कर लेंगे. कुछ नॉलेज है जो मैं आपको बताऊंगी, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, आपके जो बेसिक नॉलेज मिल जाएगा तो आप उसकी वजह से प्रैक्टिकल जो सम्स है वो आपको करने के लिए इजी हो जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. सो यहां पे आपको थ्री वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ये थ्री वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं तो आपके लिए डेफिनेशन लर्न करना बहुत ही इजी हो जाएगा. सो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूं. जैसे कि 2021 में पॉपुलेशन काउंटिंग करनी है और सेंसस चेक करना होता है. अभी देखो, लास्ट 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा. सो मैं 2021 का ईयर को बेस ईयर लेके एक्सप्लेन कर रही हूं. फर्स्ट ऑफ, गवर्नमेंट क्या करेगी, कलेक्शन करेगी. किधर से? तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनका डेटा कलेक्ट करेंगे. अब उसके बाद क्या होगा, तो डेटा का एनालिसिस किया जाएगा. एनालिसिस क्या होगा कि जैसे गुजरात का डेटा है, क्या उसमें कितनी पॉपुलेशन है, दिल्ली है, मुंबई है, उनकी पॉपुलेशन काउंटिंग, उनके नंबर्स में उसको काउंटिंग किया जाएगा. उसके बाद क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा. सो इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि जैसे कि गुजरात है, उसमें इफ 5 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें से मैन कितने, वुमन कितने और चिल्ड्रन कितने, या फिर इंटरप्रिट कर सकते हो कि पॉपुलेशन कौन सी कैटेगरी की है. मीन्स कि गुजरात के अंदर 5 करोड़ पॉपुलेशन में से 1 करोड़ है जो BPL, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 3 करोड़ है जो मीडियम क्लास के हैं और बाकी के 1 करोड़ है जो हायर क्लास के हैं. ऐसे डेटा से हमें क्या क्या इंटरप्रिट करना है वो हम इंटरप्रिट कर सकते हैं. सो जैसे हम पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, देन
उसको डिफरेंस डिफरेंट स्टेट वाइज उसकी पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, नंबर्स में क्लासीफाई कर रहे हैं और लास्ट में इंटरप्रेट कर रहे हैं. इट मीन्स कि उसका हमें जो डिटेल चाहिए वो कलेक्ट कर रहे हैं. सो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में ऑर्डर में पहले क्या आता है तो कलेक्शन, उसके बाद क्या आएगा एनालिसिस और उसके बाद आएगा इंटरप्रिटेशन. अब जब भी आपको पूछा जाए स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन तो आपका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ कलेक्शन देन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन.